अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना इफ्तखार है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, या इसको हम बोलते हैं माहिर नफ्सियात। अक्सर जब पेशेंट्स के सामने या हम डे टू डे लाइफ में साइकोलॉजिस्ट का जिक्र करते हैं या माहिर नफ्सियात का जिक्र करते हैं, तो जो एक पहली चीज़ जहन में आती है कि शायद हम वो लोग जो बिल्कुल समझ बूझ नहीं रखते हैं या अक्सर औकात उनके लिए पागल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट फ्राहम करते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करूँगी और बात करेंगे कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका क्या रोल होता है सोसाइटी में, वो किस किस्म की जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जिनको हम डिसऑर्डर्स बोलते हैं या मेंटल इलनेस बोलते हैं, उनके लिए उनकी असेसमेंट और उनकी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये बेसिकली वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि मेंटल वेलनेस और मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं। साइकोलॉजी के आगे फर्दर काफ़ी सारी डोमेन्स होती है जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स या कॉर्पोरेट साइकोलॉजिस्ट आते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आते हैं और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात की जाए या जिनको हम आम अल्फाज में माहिर नफ्सियात बोलते हैं उनकी बात की जाए, तो वो मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इनमें दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिन्हें हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं या जो बच्चों के नफसियाती मसाइल जो होते हैं उनके मुतालिक रहनुमाई और उनका इलाज मुहैया करते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है जिनको हम अडल्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, या जो बालिग लोग होते हैं उनकी जो जहनी सेहत से मुतालिक मसाइल होते हैं उनके बारे में वो आपको आगाही और उनका इलाज जो की सहूलियात जो होती हैं वो मुहैया करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि बच्चों के कौन से ऐसे नफसियाती मसाइल होते हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि बच्चे बहुत शरारती हैं, बात नहीं सुनते हैं, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता है, जो चीज़ याद करते हैं वो भूल जाते हैं। तो बेसिकली ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसे कि हम इसको ADHD बोलते हैं जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा तेज़ी पाई जाती है, वो बात नहीं सुनते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, उनमें स्टबर्ननेस बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ ये बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में या उनकी जो सीखने की सलाहियत होती है वो बहुत कम होती है, तो वो लोग अपने स्कूल में बाकी बच्चों की निस्बत जो होती है वो काफ़ी पीछे होते हैं तालीमी लिहाज से। तो इस हम डिसऑर्डर को ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं। बच्चों की इशूज़ में दूसरा बहुत कॉमन पाया जाने वाला जो डिसऑर्डर होता है वो ऑटिज़म होता है, जिसके लिए हमने देखना होता है कि क्या बच्चे की जो है सोशल कॉग्निटिव इमोशनल डेवलपमेंट वो इफ़ेक्ट तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो किस लेवल पर है। इसी तरह बाकी जो बच्चों के मसाइल होते हैं उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या उनकी पढ़ाई से मुतालिक जो मसाइल होते हैं वो उनका शिकार होते हैं। अगर एडल्ट साइकोलॉजिस्ट की बात की जाए जो आपको एडल्ट से रिलेटेड या जो बालिग अफराद होते हैं उनसे मुतालिक ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ देते हैं, वो बेसिकली बहुत सारे मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और ईटिंग डिसऑर्डर्स को जो होते हैं वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो मेनली ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यही काम कर रहे होते हैं। दूसरे आते हैं कॉर्पोरेट साइकोलॉजिस्ट, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सके, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड किया जा सके, उनके जो डे टू डे लाइफ इश्यूज़ होते हैं उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हेंस किए जाए कि वह इन मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सके, और ओवरऑल वो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए जो है वो बेहतर काम कर सके। लास्ट कैटेगरी आती है जिसमें हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की, जो कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चों के मसाइल होते हैं तालीम से मुतालिक उनकी रहनुमाई मुहैया करते हैं। तो बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं और उसमें वो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के मुख्तलिफ शोबे होते हैं, तो यकीनन आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस तरह की और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चिल्ड्रन लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोज़ जो है वो मिलें।